कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। कल्पना कीजिए, जिस टीचर से स्टूडेंट अपना मनमाफिक सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है लेकिन स्कूल की पढ़ाई, समय और जेब का अभाव आड़े हो, ऐसे में यदि वह टीचर स्कूल अवधि में ही बच्चे को पढ़ाए और इसके लिए उसे अतिरिक्त पैसा भी न देना पड़े, यानी समय भी बचे और पैसा भी, तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा। ऐसा कर दिखाया मेरठ के गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ने गोल्ड मेडलिस्ट फिजिक्स अमित अग्रवाल के साथ। 74 घंटे तक बिना ब्रेक लगातार 119 छात्रों को कोचिंग कराने का रिकॉर्ड बनाने वाले अमित अग्रवाल के प्रति छात्रों की दीवानगी देखी जाती है। अमित अग्रवाल की पूरी टीम गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में उन सभी सब्जेक्ट को पढ़ाएगी जो बच्चों के फेवरेट हैं, यानी विषय भी फेवरेट और टीचर भी फेवरेट। अमित अग्रवाल ने दावा किया है कि क्लास में उनके व टीम द्वारा दी गई शिक्षा के बाद बच्चे को ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी उनका समय भी बचेगा और अभिभावकों का पैसा भी। वेस्टर्न रोड स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी गई। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर कर्मेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल परिवार ने अमित अग्रवाल सर, जो फिजिक्स के टीचर हैं, जाने माने टीचर हैं, उनके साथ मिलकर के एक उपक्रम मिशन शुरू किया है, जिसमें हम बच्चों को यहीं पर अपने स्कूल प्रांगण में ही स्कूल टाइम में बिना फीस लिए, केवल जो स्कूल की ट्यूशन फी बच्चे हर बार देते हैं एक अपनी रेगुलर CBSE की पढ़ाई करने के लिए, उसी फीस को लेते हुए हम बच्चों को इंटीग्रल क्लासेस देंगे। इंटीग्रल क्लासेस पे हम बच्चों को जी इंजीनियरिंग की तैयारी कराएंगे और नीट की तैयारी कराएंगे और बोर्ड में CBSE 10th और 12th में किस प्रकार से अच्छे नंबर ला सके, तो वो उस उद्देश्य के साथ हमने इस क्लासेस को शुरू किया। इससे बच्चों को ये फायदा होगा ना कि जो बच्चे एक्स्ट्रा यहाँ से जाने के बाद ट्यूशन लेते थे 3-4 घंटे ट्यूशन में, कहीं फिजिक्स, कहीं केमिस्ट्री, कहीं मैथमेटिक्स, कहीं बायो पढ़ने जाते थे, वो उनका बंद हो जाएगा और अपने स्कूल टाइम में ही वो पूरी स्टडी सभी सब्जेक्ट की जो उनका मिशन है उसको पूरा करने के लिए कर पाएंगे। नहीं, सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन सरकार का आदेश ये जरूर है कि जो बाहर ट्यूशन कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, डे टाइम में चलते हैं, उन पे पाबंदी लगाने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने स्कूल में इस कार्य को शुरू किया है इंटीग्रल क्लासेस। और मैं फिर क्लियर कर दूं कि इसकी इवज में बच्चों से हम कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहे हैं, ये एक्स्ट्रा सुविधा दे रहे हैं उसी फीस के साथ साथ, और साथ में ट्यूशन फ्री की गारंटी दे रहे हैं कि यदि बच्चों को ट्यूशन जाना पड़ा तो शाम को कोचिंग हम उपलब्ध कराएंगे और फिर भी दिक्कत आई तो जहां वो पढ़ना चाहेंगे उस जगह के लिए पेमेंट हम करेंगे। अब सुनिए फिजिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अमित अग्रवाल ने क्या बताया। सभी सम्मानित पत्रकार भाइयों का नमन, आप लोग अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए, मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेन पॉइंट आपको बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि पिछले 20-30 सालों में मेरठ के अंदर बहुत परिवर्तन आया है, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, आभूषण के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेजेस के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के क्षेत्र में हो, हमारा मेरठ दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। लेकिन इस तरक्की में हमारे बच्चों का बचपना खो गया है। जरा आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब हम और आप छोटे थे क्या करते थे, शाम को क्रिकेट खेलते थे, क्या करते थे, बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते थे। आजकल के बच्चों के पास समय कहाँ है, आप सोच के देखिए आजकल के बच्चों के पास समय कहाँ है। मैं 35 साल से मेरठ में शिक्षा दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे 7 घंटे स्कूल जाते हैं, 3 घंटे ट्यूशन जाते हैं, 2 घंटे सड़कों पे आने जाने में बेकार करते हैं, 2 घंटे खाने पीने नहाने धोने में बेकार करते हैं, बेकार का मतलब जरूरी है, 14 घंटे रहने के बाद हाउ इज इट पॉसिबल कि वो सेल्फ स्टडी कर सके और वो मुकाम पा सके जिसके लिए वो हकदार है। सिचुएशन ये आ गई है, बच्चों के ऊपर प्रेशर तो पेरेंट्स भी और हम भी, मैं भी अभिभावक हूँ,
हम देते हैं कि तुम बहुत अच्छा कैरियर बनाओ, लेकिन कैरियर बनाए कैसे? स्कूल ट्यूशन भागते दौड़ते जब वो खुद पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैरियर बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे में वो तनाव में आ जाते हैं, सुसाइड करते हैं, तमाम तरह के केस मेरे से ज़्यादा आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब इस क्षेत्र में हम क्या शुरुआत कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारा ग्रुप बहादुर करेगा, मैं चाहता हूँ धीरे धीरे ये चिंगारी आज बनकर पूरे देश में फैल जाए। हम बच्चों को ट्यूशन जाने से रोक कर उनको तनाव मुक्त पढ़ाई देना चाहते हैं, वो भी बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए। स्कूल की फीस में हम मेरठ के आसपास के बेस्ट टीचर्स जिनसे बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए भीड़ लगाते हैं, इवन उसमें मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि बच्चों का समय बचे। तो जब टीचर्स बेस्ट हैं हम उनको कॉलेज में, स्कूल में, गुरु तेग बहादुर में, हमारे परिवार में लाएंगे और यहाँ पर उनको बिना कोई एक्स्ट्रा फीस दिए, केवल स्कूल की वर्तमान फीस में ही हम उन्हें सारी तैयारी यहीं कराएंगे, जेई की, नीट की, और ये मैं गारंटी लेता हूँ अपने गुरु तेग परिवार की ओर से। हमारे पास गुरु तेग परिवार से ट्रस्टी जी हैं, यश जी, प्रिंसिपल साहब करविंदर जी, तो शान है मेरे की। तो मैं पूरे परिवार की ओर से ये वचन देता हूँ कि यदि स्टूडेंट को ट्यूशन की जरूरत पड़ी हमारे पास पढ़ने के बाद, तो उसको फ्री कोचिंग हम देंगे शाम को, और यदि फिर भी नहीं समझना जहाँ कहेगा हम उसे पढ़ने भेजेंगे उसकी फीस लेकर, उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्यूशन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है स्कूल में, स्कूल के अंदर ही, स्कूल के अंदर हमारे विशेषज्ञ आकर के 2 बजे तक पढ़ाएंगे। अभी क्या होता है, स्कूल में अलग मटेरियल चल रहा है, कोचिंग पे अलग मटेरियल चल रहा है, रिवाइज करने का किसी के पे भी टाइम नहीं है। अब दोनों खत्म होकर के सिर्फ स्कूल के अंदर ट्यूशन लेवल से बेटर पढ़ाई होगी। 2 बजे के बाद बच्चा फ्री, बच्चा आ जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा है, मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात से रूबरू कराना है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने भाईजान सख्ती से इस बात को हम लोगों को पालन करने के लिए कहा है कि ड्यूरिंग डे टाइम बच्चे मैक्सिमम स्कूल में रहें। वो ये रहा है हर शहर में, और मेरठ को आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका देश के अंदर निभा रहा है, कि ड्यूरिंग डे टाइम स्कूल में बच्चों का अटेंडेंस दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, और उसकी मेन वजह ये है कि बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो बाहर जो ट्यूशन क्लासेस चलती हैं वहाँ पर क्लासेस ड्यूरिंग डे टाइम अटेंड करते हैं, उस पर रोकथाम लगाने के लिए सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया है कि कोई भी बच्चा स्कूल टाइम में बाहर पढ़ने नहीं जाए। ये स्कूल की तरफ से बच्चों को बता दिया गया है, लेकिन फिर भी बाहर क्लासेस चल रही हैं। गवर्नमेंट इस बात पर सख्ती करने जा रही है कि ड्यूरिंग डे टाइम ट्यूशन क्लासेस ना चलें, 2 बजे के बाद ट्यूशन क्लासेस चलें, ताकि बच्चों की अटेंडेंस स्कूल के अंदर रेगुलरली में बनी रहे। इस पर लगाम लगाने के लिए किया गया, हम लोगों ने गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में क्या किया है कि उसी काम को डे टाइम में ही स्कूल टाइम में इंटीग्रल कोर्स चलाकर, यानी हम उसमें जीपीडी और जो नीट है मेडिकल लाइन के बच्चों की, प्लस अपना जो 12th क्लास 10th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें बच्चे किस प्रकार से अधिक मार्क्स लेकर के आप लोगों के बीच में आए, मेरठ का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएं। इस बात को लेकर ये हमने पहली बार मेरठ में इस बात की शुरुआत की है कि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। जैसे कि अमित जी फिजिक्स से बहुत पॉपुलर टीचर रहे हैं और हैं, और मैं भी फिजिक्स से ही ताल्लुक करता हूँ, मेरी भी डॉक्टरेट फिजिक्स में ही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमारा तो छोटा भाई है, लेकिन इन्होंने ट्यूशन जगत में अपना एक अलग मुकाम बनाया, और ये गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल का पहले भी एक हिस्सा रहे हैं। 2005 के आसपास यहीं पर क्लासेस चला करती थी, और हमने मेरठ शहर से न जाने कितने बच्चे मेडिकल फील्ड में,
और न जाने कितने बच्चे इतने फील्ड में ये जो आज देश विदेश में रह करके हमारी शान को बढ़ा रहे हैं, गुरुदेव बहादुर चौधरी सिंह का नाम रोशन कर रहे हैं। हमने दोबारा से उसकी शुरुआत की, इनसे अनुरोध किया कि आप हमारे साथ जुड़िए और केवल यही नहीं ये फिजिक्स लेंगे। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।